है एवरीवन, सो वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने अडाप्टर क्लासेस देखे थे। अब हमारे पास दो टॉपिक बच रहे हैं, इंटरफेस में दो टॉपिक हैं जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे और हमारे जितने भी डाउट क्रिएट हुए होंगे हमारे माइंड में अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो सारे डाउट कंपैरिजन से क्लियर हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन के लिए इंटरफेस वर्सेस abstract class versus concrete class, right, and then फिर 10th one topic हमारे पास difference between interface and abstract class। तो इन दोनों को हम एक ही वीडियो में यहाँ पे देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे सेपरेट फाइल बना के रखी है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखे हैं ताकि कुछ मिस आउट ना हो, राइट। ओके, सो वन बाई वन हम देखेंगे यहाँ पे लाइक इंटरफेस वर्सेस अब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस कंक्रीट क्लास में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले इंटरफेस क्या चीज़ होता है, हम ऑलरेडी सब कुछ देख चुके हैं। फिर से हमें क्या करना है, रिवाइज करना है एंड एक समरी में सब कुछ अंडरस्टैंडिंग बनानी है अपने माइंड में कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं, कैसे हुआ करती हैं, राइट। सो इंटरफेस की बात करें तो व्हेन वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन जस्ट रिक्वायर्ड ए स्पेसिफिकेशन देन गो विद इंटरफेस। हम इंटरफेस की तरफ कब जाते हैं, हम इंटरफेस कब यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं क्लास, कब यूज़ करते हैं इंटरफेस, कब यूज़ करते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये चीज़ अगर हमें जाननी है तो हम इंटरफेस कब यूज़ करते हैं, जब हमें इम्प्लीमेंटेशन के अबाउट में ना पता हो, हम सिर्फ डिक्लेरेशन जानते हैं, हम स्पेसिफाई कर दें कि हाँ ये चीज़ ये इस टाइप का मेथड है, हमने स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफिकेशन हम जानते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं जानते। तो उस ऐसे टाइम पे हमें इंटरफेस को यूज़ करना चाहिए। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास कब यूज़ करना चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कब यूज़ करना चाहिए, जब व्हेन पार्शियली इम्प्लीमेंटेशन वी वांट देन वी शुड गो विद अब्स्ट्रैक्ट, है ना। एग्जाम्पल अगर जेनरिक सर्वलेट है, जेनरिक सर्वलेट है तो जेनरिक सर्वलेट क्या है, पार्शली इम्प्लीमेंटेशन है। अच्छा, पार्शली इम्प्लीमेंटेशन है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास है या फिर इंटरफेस है, दोनों में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, राइट। दोनों इंटरफेस एंड अब्स्ट्रैक्ट, दोनों में इंटरफेस नहीं कर सकते, दोनों में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि ये प्योर अब्स्ट्रैक्ट है ना, यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं। यहाँ पे पार्शली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो पार्शली भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो भी हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते अंटिल वी हैव कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट क्लास या फिर इंटरफेस, राइट। सो हम ऑब्जेक्ट दोनों केसेस में नहीं क्रिएट कर सकते। तीसरा हमारे पास कंक्रीट क्लास है। कंक्रीट क्लास में क्या, जब हमारे पास कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हो, इन्फॉर्मेशन हो पूरी, हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें हमें पता हो तो हम कंक्रीट क्लास, जो हम यूजुअल क्लास बनाते हैं, क्लास नेम है ना, फिर उसके अंदर मेन मेथड लेते हैं, वो सब सारी चीज़ें क्या कंक्रीट क्लास है, राइट। कंक्रीट क्लास में आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्लास नेम जो भी आपका भी क्लास नेम है, यहाँ पे हम मेन मेथड लेते हैं, लाइक तो मेन मेथड जो भी लेते हैं, तो ये सारी चीज़ हमारी क्या आ जाती है, कंक्रीट क्लास में आ जाती है, राइट। तो कंक्रीट क्लास हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें इम्प्लीमेंटेशन के अबाउट में पता हो। इंटरफेस कब यूज़ करते हैं, जब हमें इम्प्लीमेंटेशन के अबाउट में ना पता हो। एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास कब यूज़ करते हैं, जब हमें पार्शली इम्प्लीमेंटेशन हम चाहते हो, हमें पार्शली इम्प्लीमेंट करना है, हमें बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना ही नहीं है तो इंटरफेस जाएंगे। पार्शली इम्प्लीमेंट करना है ना, कहीं पार्शली थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करना है किसी भी मेथड को तो हम अब्स्ट्रैक्ट में जाएंगे। अगर हमें कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो हम कंक्रीट क्लास की तरफ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे इंटरफेस एंड अब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है ये चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ फर्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं, एवरी मेथड प्रेजेंट इनसाइड इंटरफेस इज ऑलवेज पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट वेदर वी डिक्लेयर और नॉट। हमने इंटरफेस में ऑलरेडी ये बात कर ली है कि जो मेथड होते हैं इंटरफेस के इनसाइड, अंदर जो भी मेथड होते हैं इंटरफेस के, वो इंटरफेस मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और यही दो कीवर्ड है जो हम इंटरफेस मेथड के साथ यही दो मॉडिफायर हैं जो इंटरफेस मेथड के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और हम मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलती है, राइट। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट के साथ ऐसा नहीं है, है ना, अब्स्ट्रैक्ट के साथ नहीं है। बट नीड नॉट बी ट्रू फॉर द नीड नॉट टू बी पब्लिक इन अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं कि आप पब्लिक रखो, राइट। अब्स्ट्रैक्ट तो रहता ही है लेकिन पब्लिक आप रखो ये जरूरी नहीं है अब्स्ट्रैक्ट मेथड में। दूसरा हमारे पास डिफरेंस क्या है, ओनली पब्लिक एंड अब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर इज अलाउड विद इंटरफेस मेथड बट अब्स्ट्रैक्ट मेथड हैज़ नो सच रिस्ट्रिक्शंस। अब्स्ट्रैक्ट हमने यहाँ बात की ना, अब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती है कि आप वहाँ पे सिर्फ पब्लिक यूज़ कर सकते हो, आप वहाँ पे प्राइवेट भी यूज़ कर सकते हो, पब्लिक भी यूज़ कर सकते हो, प्रोटेक्टेड भी, सारे मॉडिफायर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन विद अब्स्ट्रैक्ट के साथ कॉम्बिनेशन इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, अभी तो हमने क्लास में देखा था जब अब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करते थे तब तो ठीक था, फाइन था, पब्लिक वगैरह यूज़ कर सकते थे। लेकिन अगर अब्स्ट्रैक्ट के साथ अगर कॉम्बिनेशन देखें तो हमने लास्ट वीडियो में देख ली है, कुछ जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड हम अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो अब्स्ट्रैक्ट के साथ इलीगल कॉम्बिनेशन में क्रिएट कर रहे हैं उनके साथ हम नहीं यूज़ कर सकते थे। अब्स्ट्रैक्ट के साथ हम प्राइवेट नहीं यूज़ कर सकते, अब्स्ट्रैक्ट के साथ हम फाइनल नहीं यूज़ कर सकते, राइट, क्योंकि चाइल्ड क्लास नहीं क्रिएट हो सकता है। राइट, और अब्स्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंटेशन तो जरूरी है, राइट। सो ये सेकेंड डिफरेंस थी। थर्ड डिफरेंस क्या है? every variable present inside the interface will always public static final। जो इंटरफेस के अंदर वेरिएबल होते हैं या इंटरफेस वेरिएबल होते हैं वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल ही रहते हैं। क्यों स्टैटिक होते हैं, क्यों पब्लिक होते हैं, क्यों फाइनल होते हैं, ऑलरेडी वी हैव टॉक अबाउट दिस। बट नीड नॉट टू बी ट्रू फॉर अब्स्ट्रैक्ट क्लास वेरिएबल के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो पब्लिक ही रहें, स्टैटिक ही रहें, फाइनल ही रहें, वो कुछ भी हम रख सकते हैं, राइट। और उसमें ऐसी कोई वो नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड की जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सिर्फ डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर प्रोवाइड होता है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर नहीं बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल मॉडिफायर यहाँ पे प्रोवाइड होता है। कॉम्बिनेशन एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड होता है, राइट। तो फोर्थ वन डिफरेंस हमारे पास है, फॉर इंटरफेस वेरिएबल वी हैव टू इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जो इंटरफेस वेरिएबल है उसको हमें एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइज करना, बट नो सच रूल इन अब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारे पास इंटरफेस वेरिएबल है उसमें हमने फाइनल रखा है, राइट। तो फाइनल मॉडिफायर अगर यूज़ किया तो हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है। हमने देखा था, हमने पढ़ा था जब हमने फाइनल कीवर्ड अच्छे से पढ़ा था, राइट। तो फाइनल मॉडिफायर अगर हम यूज़ करते तो हमें अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यह इसीलिए इंटरफेस में हमने देखा था इंटरफेस वेरिएबल में बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल रहता, तो इसलिए इंटरफेस वेरिएबल को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वी हैव टू इनिशियलाइज। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट में ऐसा, अब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल के लिए ऐसी कोई रूल नहीं है। इनसाइड, फिफ्थ वन है इनसाइड इंटरफेस टू कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट, है ना। इंटरफेस के अंदर कोई नो कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट, कोई कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता इंटरफेस के अंदर। बट इनसाइड द अब्स्ट्रैक्ट क्लास वी हैव अ कंस्ट्रक्टर। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है, राइट। सो वी कांट, सिक्स्थ वन द वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्टर बट अब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव कंस्ट्रक्टर। हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते इंटरफेस के लिए, सॉरी। सो वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्टर बट अब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव द कंस्ट्रक्टर। अब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर विल एग्जीक्यूट व्हेन वी क्रिएट चाइल्ड ऑब्जेक्ट, देन अब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर। जो भी हम अभी केस लेंगे इसको हम समझते हैं, इस लाइन को समझते हैं। वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। किसका? अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अगर अब्स्ट्रैक्ट टाइप मॉडिफायर हम यूज करते हैं तो उसका, उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। वी हैव सीन, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। फिर भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, राइट। कंस्ट्रक्टर कैसे, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं? हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फिर भी कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर कब एग्जिस्ट करता है? जब चाइल्ड क्लास किसी मेथड को इंप्लीमेंट करती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट करेगी, तब हमारा कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करेगा। जो कि इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम बहुत रीयूजेबिलिटी का केस हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, राइट। रीयूजेबिलिटी इंक्रीज़ कर लेते हैं। हम कुछ केसेस देखते हैं यहाँ पे। लाइक हमारे पास एक केस है, हमने विदाउट अब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर, अब्स्ट्रैक्ट में अगर हमने कंस्ट्रक्टर बिना अब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ किए हुए एक यहाँ पे केस लिया हुआ, राइट। तो यहाँ पे मैंने अब्स्ट्रैक्ट टाइप का एक क्लास लिया जिसका क्लास का नेम क्या है? ह्यूमन नेम है, राइट। इसमें मैंने प्रॉपर्टीज स्टोर करी है, लाइक डिक्लेयर किया लाइक स्ट्रिंग नेम, इंट एज, ब्ला 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 टाइप। 100 प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे ले ली, राइट। टोटल 100 प्रॉपर्टीज़ है। अब ये 100 प्रॉपर्टीज़ हमने ली, फिर उसके बाद हमने एक चाइल्ड क्लास, इसका एक चाइल्ड क्लास बनाया। अब जैसे हमने चाइल्ड क्लास बनाया हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चाइल्ड क्लास बनाया, क्लास मैन, पर्सन को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया और एक्सटेंड करके एक मैन नाम का एक चाइल्ड क्लास बनाया। अब मैन नाम का जब हमने चाइल्ड क्लास बनाया उसके अंदर सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंट हाइट, राइट। हमने यहाँ पे हाइट नाम की एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दी, राइट। अब इस हाइट नाम की वेरिएबल डिक्लेयर की। अब हम क्या करेंगे? मैन के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे, सॉरी, मैन की कंस्ट्रक्टर जो कि अब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है। अब इसमें मैन के कंस्ट्रक्टर में सारे के सारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हमने ली है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। स्ट्रिंग नेम, इंट एज, है ना, सारी की सारी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब ये प्रॉपर्टी देंगे फिर इसके बाद हमें 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ेगा इस कीवर्ड का यूज़ करके, है ना। उन सारे वेरिएबल को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ये नेम, है ना, स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम जब इंटर करें कीवर्ड से कोई वैल्यू इंटर करें तो वो वैल्यू हमारे नेम वेरिएबल में जाके इंटर हो। तो दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, ऐसा हमें 100 टाइम लिखना पड़ेगा, राइट। टोटल 100 टाइम, क्योंकि 101 टाइम लिखना पड़ेगा। एक बार हमने इंट हाइट को भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, राइट। तो यहाँ पे लाइंस ऑफ कोड देखो इंक्रीज हो जा रही है। फिर हम चाहें तो फिर मैन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। मैन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम इस 100 प्रॉपर्टीज़ को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये 101 प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी यहाँ पे, 101 प्रॉपर्टीज आ जाएंगी यहाँ पे, एंड यहाँ से हम सारे वैल्यू को, है ना, सारे वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन करके नेम में स्टोर, रिस्पेक्टिव वेरिएबल नेम में स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो ये बिना अब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर के था, लेकिन अगर हम अब्स्ट्रैक्ट, ऐसे हम कई सारे चाइल्ड बनाए, लाइक हमने चाइल्ड 2 बनाया, चाइल्ड 3 बनाया, ऐसे चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4, ऐसे हज़ारों चाइल्ड बनाया, तो हज़ारों चाइल्ड के लिए सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। सपोज मैंने वोमेन नाम का एक चाइल्ड बनाया, किससे एक्सटेंड किया, मैंने पर्सन नेम से एक्सटेंड किया, पर्सन नेम से वोमेन को एक्सटेंड किया, तो वोमेन में सेम प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। एक हमने अगर सपोज इंट हाइट ले ली, वैल्यू वेरिएबल ले ली, तो उसमें हमने पहले हमने अगर यहाँ पे कोई चाइल्ड बनाया इसका, सॉरी इस ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट में हमने 101 प्रॉपर्टीज हमें पैरामीटर देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा पैरामीटर। अब ये पैरामीटर पास होकर इस वाली वुमेन के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास आएगी। इस कंस्ट्रक्टर के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्टर में हम देखेंगे ये चीज़, फिर से देखेंगे इस एग्जाम्पल को, है ना। तो कंस्ट्रक्टर यहाँ कंस्ट्रक्टर को कॉल हो जाएगा, है ना। तो इस कंस्ट्रक्टर के को कॉल होती है यहाँ पे हमें 101 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। यहाँ 101 वैल्यू पास करने के बाद फिर से हमें 101 वैल्यू को दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, दिस डॉट रिस्पेक्टिव वेरिएबल में वो रिस्पेक्टिव वेरिएबल की वैल्यू हमें स्टोर करनी पड़ेगी। तो लाइन्स ऑफ कोड क्या हो जाएंगे, बढ़ जाते हैं, लाइन्स ऑफ कोड बढ़ जाते हैं। ऐसे हजारों चाइल्ड हैं तो हजारों बार हमें लिखना पड़ेगा, हजारों बार 101 लाइन लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पे ये सेम केस को हम देखते हैं, केस 2 विद अब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर कोड रीयूजेबिलिटी इंक्रीजेस, ना। अब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कोड रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज हो जाती है वो देखते हैं। सपोज हमने एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास लिया, ह्यूमन नेम का कोई अब्स्ट्रैक्ट क्लास लिया। अब उस ह्यूमन नेम के अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने कई सारी प्रॉपर्टीज, 100 प्रॉपर्टीज ले ली जो हमने ली थी ऊपर, है ना। फिर उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर, हमने यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ना, यहाँ ह्यूमन कंस्ट्रक्टर रहेगा, ह्यूमन नेम बनाया ना, तो यहाँ ह्यूमन नेम से बनाया हमने, ह्यूमन नेम का हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो ह्यूमन नेम के एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसमें हमने वैल्यू पास करी, यहाँ पे कितनी 101 वैल्यू पास करी, राइट, 100 वैल्यू पास करी। अब 100 वैल्यू पास करी, अब 100 वैल्यू को एक ही बार में हमने कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर दिया, दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, 100 प्रॉपर्टीज है, उसमें रिस्पेक्टिव वेरिएबल की वैल्यू हमने रिस्पेक्टिव वेरिएबल में स्टोर कर दी, राइट। अब हमने यहाँ जितनी भी चाइल्ड बनानी है, बार बार हमें ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर बना चुके। अब इस कंस्ट्रक्टर को हम बार बार कॉल कर देंगे, है ना, सुपर कीवर्ड की हेल्प से इस कंस्ट्रक्टर को बार बार कॉल कर देंगे। सुपर कीवर्ड क्या करता है, मेन जो पेरेंट रहता है, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। कॉल करके यहाँ पे जितनी भी वैल्यू रहेगी, ये वाला प्रोसेस ये एक ही बार में एक लाइन में हो जाएगा। हमने यहाँ पे देखो सुपर यूज किया, हमने यहाँ पे पहले एक चाइल्ड बनाया, मैन नाम का एक चाइल्ड बनाया, पर्सन नेम से मैन नेम का एक चाइल्ड बनाया, इसमें एक हाइट वैल्यू हमने रखी, राइट, रखी। उसके बाद हमने यहाँ पे मैन नेम का एक चाइल्ड, मैन के कंस्ट्रक्टर को कॉल करा यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पे सारी 101 प्रॉपर्टीज को डिफाइन करा, एंड फिर हमने सुपर की हेल्प से हमने इसके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो ये वाली जो प्रोसेस है, दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, ये बार बार हमें करने की जरूरत नहीं है, एक ही में हो गया। तो इससे कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। अब हम चाहे जितना कोड बनाए, जितना चाइल्ड बनाए, सारे चाइल्ड में हमें सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा और हमारी सारी प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई, राइट। तो ये था, इसमें कुछ डिफरेंसेस थे जो हमने देखे, है ना, अब्स्ट्रैक्ट टाइप क्लासेस, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस एंड कंक्रीट क्लासेस, इन सब में जो मेन डिफरेंसेस थे हमने देखे, है ना। तो लास्ट वन थोड़ा सा लेंदी हो गया। अभी अगर लास्ट वन, अगर आपको ये कंस्ट्रक्टर वगैरह समझ में नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, हम इसको पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर आने ही वाला है, नेक्स्ट चैप्टर या फिर इसके आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको, कंस्ट्रक्टर को देखेंगे अच्छे से, फाइन। अगर नहीं समझ में आया तो स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, राइट।